हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू निर्भर एकेडमी। होप यू ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो लेट्स प्रोसीड विद योर लेक्चर। आज हम 9th और 10th क्लास का टर्म वाइज सिलेबस जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सीबीएसई है उन्होंने किस तरह से उसको डिवाइड किया है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर इज 184 एंड वी आर गोइंग टू फर्स्टली डिस्कस अबाउट फॉर क्लास 9th एंड दिस इज फॉर 2021-22। सो टर्म वाइज सिलेबस जो है वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सो टर्म वन के लिए देख लेते हैं कि टर्म वन जो है आपका उसमें कौन कौन सा जो सिलेबस है आपका, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके कवर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले है रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में क्या है आपका, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असिस्ट इन्फ्रेंस इवेल्युएशन वैकेबलरी एनालिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर वन होगा, तो उसमें आपको जो पैराग्राफ्स यहाँ पे जो पैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि आपने जो उस पैसेज को रीड आउट किया है तो उसको कितना समझा है, जिसमें आपको बहुत सारे रीजन्स जो है उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप पैसेज है उसका क्या इवेल्युएशन आप कर सकते हैं। वोकैबुलरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह आपके होते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, कि आपने जब उस पूरे पैसेज को पढ़ा तो आपने उससे क्या फाइंड आउट किया, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। तो इस तरह से जो बेस्ड आपका जो पैसेज होगा उसके ऊपर ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। और आपको जो पैसेज मिलने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप आपका होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज में आपको जो पैराग्राफ है वो मिल सकता है, कोई ऐसे मिल सकता है, कोई स्टोरी आपको मिल सकती है जो रेंडमली कहीं से भी आपको उठा करके दे देंगे। तो उसमें क्या है, जो वर्ड लिमिट है आपकी वो कितनी होगी, 400 to 450 वर्ड्स। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा रीडिंग पार्ट का, वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट्स, कोई पाई चार्ट आपको दिखा दिया, या कोई आपको जैसे किसी को अगर मान लीजिए किसी कंट्री का एक ले लिया कि कुछ जंक फूड खाते हैं, कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड आपको एक फैक्चुअल पैसेज मिलेगा और उसी के ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीडिंग का होगा उसमें दो पैसेजेस आपको मिलेंगे अनसीन, जिसमें डिस्कर्सिव और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होंगे और आपका जो नॉलेज है वो इसके ऊपर बेस्ड होकर के वो चेक किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जो राइटिंग है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा वो राइटिंग स्किल का होगा। राइटिंग स्किल में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मिलेगा एंड इट विल बी अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में कुछ आपको हिंट्स दिए जा सकते हैं और उस पर्सन के बारे में आपको लिखना होता है, जो कि आपको राइटिंग स्किल के अंदर मिलेगा। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आपको मिलेगा, जिसमें बेस्ड ऑन बिगनिंग लाइन आउटलाइन क्यूज, उसमें आपको क्या होगा, एक बिगनिंग करके दे देंगे या आपको कुछ उसमें क्लूज मिल जाएंगे या कोई आउटलाइन आपको दे दी जाएंगी, तो उसके ऊपर बेस्ड आपको अपनी स्टोरी जो है वो बनानी होगी। कई बार उसमें क्या होता है, टाइटल भी आपको दे दिया जाता है और उसके ऊपर बेस्ड आपको अपनी स्टोरी जो होती है वो लिखनी होती है। उसके बाद देखिए ग्रामर, जो ग्रामर है उसमें आपके टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सारा का सारा जो है आपका ग्रामर के अंदर कवर होने वाला है। ग्रामर में ये जो सारी चीजें आएंगी वो आपका एडिटिंग, ओमिशन, फिलअप्स, इन सब के थ्रू जो है आपसे टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें आपके एमसीक्यू भी आ जाते हैं और एमसीक्यू के थ्रू वो आपका टेस्ट जो है वो उसमें आएगा। उसके बाद हम लिटरेचर पार्ट जो है अगर उसकी बात करें तो देखिए, लिटरेचर में पोस्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रपलेटेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर जो आप लिटरेचर पार्ट अपना पढ़ेंगे तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो मिलेंगे, लाइक जो आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं वो आपको मिलेंगे, एमसीक्यू आपको इसमें मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके मिलेंगे कि आपने चैप्टर को कितना समझा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आपने चैप्टर का किया तो आप उसे क्या समझे, इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आपका आ सकता है, तो वो आपके अक्रॉस द टेक्स्ट और बियॉन्ड द टेक्स्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपकी आपने नहीं किए होते, तो उसमें सिर्फ कौन से क्वेश्चंस होते हैं कि आपने उस चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड किया, आपने कितना समझा है, और आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है वो दे दी जाएंगी और उसके ऊपर बेस्ड आपको जो है आंसर वहां पर करने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं
यस yes. अब देखिए जो मूवमेंट्स है, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी, उसमें द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, ये जो चार चैप्टर्स हैं ये आपके फर्स्ट टर्म के हैं। उसके बाद जो बिहाइव, जो आपकी बिहाइव जो प्रोज सेक्शन जिसमें आप कवर करते हैं, जो आपकी मेन कोर्स बुक है, उसमें द फंदे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, आर ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड एंड माई चाइल्डहुड, ये आपके फाइव चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म वन के अंदर आएंगे। और जो पोम्स आपकी कवर होने वाली है टर्म वन में, वो है द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ एंड अ लेजन ऑफ द नॉर्दर्न, ये फोर पोएम्स जो है ये आपकी टर्म वन के अंदर कवर होंगी। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये टर्म वन के लिए है इंग्लिश का। अब हम बात कर लेते हैं कि टर्म टू जो है आपका, उसमें आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर होगा। तो अगेन टर्म टू के अंदर रीडिंग पार्ट जो होगा आपका, सेम वही चीज है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असेस इन्फ्रेंस इवेल्युएशन वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको दो अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। फर्स्ट वाला आपका डिस्कर्सिव पैसेज होगा, वो भी आपका 400 टू 450 वर्ड्स का है। उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज है वो चेक की जाएगी। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो कि आपका केस स्टडीज को लेकर के कोई विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट, पाई चार्ट वगैरह आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपका 200 टू 250 वर्ड्स होगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो रीडिंग पार्ट में आपका ये हो गया। राइटिंग पार्ट थोड़ा सा आपका चेंज है, क्वेश्चन नंबर वन जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पहले पर्सन को लेकर के था, अभी आपका यहाँ पे डायरी राइटिंग आ जाएगा, ये टर्म टू की बात कर रहे हैं हम। स्टोरी राइटिंग बिल्कुल सेम वही है, बिगनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज आपको मिल जाएंगे, टाइटल ये दे दिया जाएगा आपको, और उसी के ऊपर बेस्ड आपको जो अपनी स्टोरी है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम ग्रामर की बात करते हैं। देखिए जो ग्रामर है आपकी, ग्रामर भी में वही आपके सेम टॉपिक है जो आप फर्स्ट टर्म में कर रहे हैं, सेकंड टर्म में भी वही होंगे। तो ग्रामर जो है वो आपको पूरा साल जो है अच्छे से उसको प्रैक्टिस देनी है, जिसमें टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। तो ये जो कवर होंगे टॉपिक आपके थ्रू फिलअप्स, एमसीक्यू, आपको उसमें ओमिशन, एडिटिंग टास्क, एमसीक्यू आपको मिलेंगे, तो उसके थ्रू जो है आपकी नॉलेज जो है ग्रामर की वो टेस्ट की जाएगी। सो ग्रामर आपने छोड़नी नहीं है, ग्रामर आपकी पूरा साल जो है आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस देनी है। यस, नाउ लिटरेचर। लिटरेचर में देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट वही आपका आरटीसी, जो कि आपका बुक में से आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, पोम्स में से भी होगा। टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेटेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, चैप्टर को आपने कितना समझा वही अगेन जो आपका टर्म वन में टेस्ट हुआ था, इस टाइम जो है टर्म टू के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मूवमेंट्स में जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें जो चैप्टर्स आपके कवर होंगे, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिज्मा, द लास्ट लीप, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बैगर, ये जो आपके चार चैप्टर्स हैं ये आपके मूवमेंट्स में सेकेंड टर्म के लिए कवर करेंगे आप। उसके बाद हम बिहाइव की बात कर लेते हैं, जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसमें देखिए आपके जो चैप्टर्स हैं जिसमें आप प्रोज सेक्शन को कवर करेंगे अपना, उसमें क्या आ जाएगा आपका, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ये फोर चैप्टर्स हैं, ये आपके सेकेंड टर्म के हैं। इन्हीं से जो क्वेश्चन हैं आपके आरटीसी हैं, एक्सट्रैक्ट वो आपको इसी से मिलने वाले हैं। जो पोम्स आप कवर करेंगे सेकेंड टर्म में वो नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक फ्राइंग, ये भी आपका सेकेंड टर्म का है। तो सेकेंड टर्म में आपने यही सिलेबस कवर करना है, और जो बाकी चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस में नहीं कर रही हूँ वो जो है आपके चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि आपका जो पूरा जो टर्म वन और टर्म टू है उसको 50 मार्क्स में कैसे डिवाइड किया गया है वो देख लीजिए। इसमें क्या है, जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, जो वेटेज और जो मार्क्स है मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। राइटिंग और ग्रामर दोनों जो चीजें मिलाकर के आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें राइटिंग स्किल को भी इन्वॉल्व किया है और ग्रामर को भी इन्वॉल्व किया है। उसके बाद जो लिटरेचर पार्ट है वो आपका 20 का है। उसके बाद देखिए टोटल कितना बन रहा है आपका, 40 मार्क्स बन रहा है, 10 मार्क्स रीडिंग, 10 मार्क्स राइटिंग एंड ग्रामर एंड 20 मार्क्स आपका लिटरेचर का है। और इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट में जो भी आपका रिस्पांस रहा है, जो आपकी परफॉर्मेंस रही है स्कूल के अंदर, आपका जो ASL है उसको लेकर के, आपकी नोटबुक्स को लेकर के, या जो आपके स्कूल के अंदर जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें आपका रिस्पांस कैसा है
वो आपका 10 मार्क्स का होगा। तो उन सबको मिलाकर के आपका जो ग्रैंड टोटल बन जाएगा वो 50 बन जाएगा। तो 51 जो है आपका टर्म वन का होगा और 50 जो है वो आपका 50 मार्क्स जो है आपका टर्म टू का होगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने दोनों टर्म्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, बिकॉज आपका पूरा एक रिजल्ट जो बनेगा वो दोनों टर्म्स को बना करके ही लिखा जाएगा। यस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्वाड नंबर 184 है उसका। सो टर्म वाइज सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे, दैट इज फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो बच्चों को कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन से टॉपिक उनको छोड़ने हैं और कौन से उनको लेने हैं। तो अगेन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो रीडिंग पार्ट जो आपका जाएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असेस इन्फ्रेंस इवेल्युएशन वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर जो आपका 10th क्लास के अंदर जो रीडिंग पार्ट होगा उसमें आपको दो जो है पैसेजेस मिलने वाले, अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो पैराग्राफ है, जो पैसेज आपको मिला है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जा सकती है, उसमें अपोजिट्स जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं उसके थ्रू वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि जो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपने उस पैसेज को कितना समझा, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कि आपने कितना अच्छे से उस पैसेज को समझा है, उसके ऊपर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। तो आपको दो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, एक मिलेगा आपको डिस्कर्सिव पैसेज जो कि आपका 400 to 450 वर्ड्स होगा। अगेन डिस्कर्सिव पैसेज में आपको कोई भी एक ऐसे मिल सकता है, कोई स्टोरी मिल सकती है, रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पैराग्राफ वो उठाएंगे और आपका नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो आपको दे देंगे। उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ये आपका केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको चार्ट या स्टैटिकल डाटा दे दिया जाएगा और उसका जो वर्ड लिमिट होगा वो 300 to 350 वर्ड्स होगा। एमसीक्यू आपको मिलेंगे, बट आपको जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है वो बहुत अच्छे से रीड करना है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा टर्म वन के अंदर, राइटिंग स्किल। अब देखिये 10th क्लास में जो राइटिंग स्किल है उसमें क्या है, यहाँ पर फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। आपको कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, फॉर्मल लेटर्स आपको आएंगे यहाँ पर, जिसमें लेटर टू द एडिटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल है, लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस है। लेटर ऑफ कंप्लेंट में मान लीजिए आपने किसी भी फॉर्म से, किसी भी शॉप से आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लिखने के लिए हो सकता है। लेटर ऑफ कंप्लेंट्स में आपके बिजनेस लेटर्स आ सकते हैं, जिसमें अगर आपने कहीं से स्कूल के लिए मान लीजिए कोई कुछ भी बुक्स वगैरह ऑर्डर किया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हो सकता है। या फिर उसमें आपका ये भी आ सकता है कि मान लीजिए जो आपका रोड है वो खराब है, उसके लिए आपने कंप्लेन करना है। तो इस तरह के जो लेटर्स हैं वो भी आपके इसमें पाथ होल्स के रिगार्डिंग, या कोई लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है और उसका जो एडवांटेजेस है वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके लेटर्स ऑफ कंप्लेन में कवर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर जो ग्रामर पार्ट है हमारा, ग्रामर पार्ट हमारा टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप 9th क्लास में कवर करके आए हैं वही टॉपिक्स आपके यहाँ पर 10th में भी होंगे। अगेन एडिटिंग, ओमिशन, फिलअप्स, या आपको वैसे जैसे अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो उसमें एक डायलॉग कंप्लीट करने का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके थ्रू जो है आपकी ग्रामर की जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लिटरेचर में आपका टर्म वन के अंदर क्या क्या आएगा। देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रपलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। अब इसमें आपका एक्सट्रैक्ट क्या है, आपके आरटीसी हैं जो आपके चैप्टर्स में से आएंगे, पोम्स में से, आपके स्टेंजाज में से आएंगे, जिसमें आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जिसमें सिर्फ आपको कुछ सिचुएशंस दे दी जाएंगी और उन सिचुएशंस को बदल करके दिया जाएगा कि अगर आपके सामने इस तरह के सिचुएशंस आती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह की चीजें आपकी आएंगी। तो देखिए हमारी जो 10th क्लास की जो प्रोज सेक्शन जिसमें हम कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट की जो आपकी मेन कोर्स बुक है, उसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म वन के अंदर आएंगे। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दोनों पार्ट्स आपके कवर होंगे, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा आपका द ब्लैक एरोप्लेन है, तो दोनों पार्ट्स आपके कवर होंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक,
एंड द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर कवर होंगे। अब देखिए जो पोम्स हैं वो कौन से कवर करेंगे हम, टर्म वन के अंदर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बोल पोम। ये 4 जो आपको यहाँ पे पोम्स दी गई हैं ये आपकी टर्म वन के अंदर आएंगी। इसके अलावा जो बीच में अगर आपकी कोई पोम्स आती हैं तो वो नहीं आपने करनी है, टर्म वन के अंदर यही पोम्स आपकी आएंगी। उसके बाद देखिए जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसमें आपके जो 3 चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे आप, जिसमें आप देखिए कौन से हो जाएंगे, अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये 3 चैप्टर्स आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसके 3 चैप्टर्स आप टर्म 1 के लिए तैयार करेंगे। अब देखिए हम टर्म 2 की बात कर लेते हैं, बिकॉज अब आपका फर्स्ट टर्म तो वैसे भी खत्म होने वाला है, तो टर्म 2 में अब आप कौन कौन सा सिलेबस कवर करेंगे वो देखेंगे। रीडिंग, रीडिंग में आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असेस इन्फ्रेंस इवेल्युएशन वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अनसीन पैसेज का है, जैसे आपने टर्म 1 में किया है। डिस्कर्सिव और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपको 2 मिलेंगे। इसमें भी आपका 400 to 450 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है और इसमें आपका 300 to 350 का वर्ड लिमिट है। अब आप इसमें ये देखिए कि जो राइटिंग स्किल है आपकी उसमें थोड़ा सा चेंज आपका आएगा। क्यों आएगा देखिए, बिकॉज इसमें हम फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, आप एक सिचुएशन यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें लेटर ऑफ ऑर्डर्स एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी, कि अगर आपने किसी कोर्स के लिए कुछ इंक्वायरी करनी है या किसी भी चीज के लिए कुछ आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लेटर्स आपके आएंगे, या फिर आपने किसी भी सामान मंगवाने के लिए, कोई भी सामान आप मंगवाना चाहते हैं और उसके लिए आपने ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो आपका यहाँ पर ये 2 लेटर्स में कवर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन चार्ट क्यूज मैप रिपोर्ट। अब आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है यहाँ पे, एनालिटिकल मीन्स क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में, लॉजिकल, साइंटिफिक, कुछ भी एक आपको ऐसा यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है जो कि आपने कोई आपको आउटलाइन दे दी जाएगी या कोई चार्ट दे दिया जाएगा, कोई क्लू आपको वहां पर मिलेगा और कोई रिपोर्ट के लिए आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो वो जो पैराग्राफ आपका किसी पे भी बेस्ड हो सकता है, बट आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना है, लॉजिकल आंसर आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपके राइटिंग स्किल में यहाँ पर कवर होंगे। ये कौन से में हम बात कर रहे हैं, टर्म 2 के लिए बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रामर में वही आपके सेम टॉपिक्स यहाँ पे 9 जो 8 टॉपिक्स हैं आपके ये कवर होंगे, जिसमें टेंसेस हैं, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। ये जो 8 टॉपिक्स हैं आपके, देखिए आप 9 से ही आपके साथ हैं ग्रामर में, तो ग्रामर को आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस देना है। ये आपके टॉपिक सेकेंड टर्म में भी आपके आएंगे, उसी तरीके से आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपके होंगे, जिसमें आपको एडिटिंग, ओमिशन, फिलअप्स या फिर पैराग्राफ्स के अंदर कोई भी आपको एक फिलअप्स का एक पैराग्राफ वहां पे डाल देंगे, उसको आपने फिल करना होगा। तो एमसीक्यू बेस्ड आपके वो होंगे और आपने अपना ग्रामर पोर्शन जो है वो कम्प्लीट करना होगा। अब हम लिटरेचर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट आरटीसी, जो आरटीसी आप कवर करती हैं वही चीज है यहाँ पर। टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापलेटेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट के जो आपके चैप्टर्स कवर होंगे वो 4 हैं, जिसमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया है, 6 चैप्टर्स ऑलरेडी आपके टर्म 1 में आ गए हैं, ये आपके टर्म 2 के हैं यहाँ पर देखिए, जिसमें मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, आंध्र प्रपोजल, जो कि आपका एक प्ले है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स आपके टर्म 2 में कवर होंगे। जो चैप्टर्स यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ वो आपने नहीं करने हैं, वो आपके नहीं आएंगे। उसके बाद जो पोम्स हैं आपकी वो देख लीजिए कौन कौन सी आने वाली है। यस, अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये आपकी 3 पोम्स है जो आपकी टर्म 2 के अंदर कवर होंगी। उसके बाद देखिए बेटा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री जो आपकी रीडर बुक है उसमें द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर एंड भोली, ये जो 4 चैप्टर हैं आपके ये टर्म 2 के अंदर आप कवर करेंगे। तो ये सिलेबस था आपका इंग्लिश का। जो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपका ईच सेमेस्टर में आपका जो मार्क्स है वो कैसे डिवाइड होंगे। यहाँ पे देखिए सेक्शन गिवन है, वेटेज एंड मार्क्स है। यहाँ पे देखिए जो रीडिंग पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 2 पैसेजेस, 2 अनसीन पैसेजेस आपको मिलेंगे जो कि आपके डिस्कर्सिव हैं और केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है।
उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर, टर्म वन में और टर्म टू में थोड़ा सा डिफरेंट है टेंथ क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग स्किल जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ग्रामर जो है वो सेम आपके टॉपिक्स चल रहे हैं जो कि आपका 10 मार्क्स को कवर करेंगे। तो राइटिंग और ग्रामर दोनों को मिलाकर के आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। उसके बाद लिटरेचर जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, टोटल आपका हो जाता है 40 मार्क्स। ठीक है, 10, 10, 20, 20, 20, 40। अब जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको अपना जो आपका ASL होता है या आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है क्लासेस के अंदर, या टीचर जो भी आपको इंग्लिश का एक्टिविटी करवाता है वो आपने कितने अच्छे से किया है, वो सारा इंटरनल असेसमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आपकी नोटबुक्स कंप्लीट है या नहीं है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के आपके 10 मार्क्स होंगे, और ग्रैंड टोटल हो गया आपका 50। तो 50 मार्क्स जो है आपका टर्म वन का है और 50 मार्क्स जो है आपका टर्म टू का है, तो टोटल आपका हो गया 100। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो टर्म वन में भी अच्छा होना चाहिए, टर्म टू में भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा जाएगा, 100% जाएगा। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है, इसके बाद जितने भी आपके डाउट्स होंगे क्लास 9th और 10th को लेकर के कि कौन सा सिलेबस आपका आएगा, क्या क्या आपने कवर करना है, वो अच्छे से कवर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हमें है अभी भी प्रॉब्लम, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो जरूर शॉर्ट आउट की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।